हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स एन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इम्पोर्ट क्वेश्चन इस सीरीज में हमने uh, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं तो आप हमारे प्ले में जाकर वीडियो सारे देख सकते हैं अगर आई टैप पे क्लिक करके भी उन वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे जितने भी जितनी भी वेराइटीज हो सकती हैं इनमें वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हर एक वीडियो लेक्चर में हर एक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑल दी फार्मूलाज दीज आर फार्मूला एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला विल यूज दिस फार्मूला इन दी टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड अदरवाइज इसके साथ में और बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती है उन वो प्रॉपर्टीज अगर आपको देखना तो अब हमारे प्ले में जाकर देखें हमने सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ यहाँ पे कर रखा है बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको टी डिवीजन में होता है जैसे यहाँ पे टी, में है, इस में टी में है, so तो बात करते हैं सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होता है डिवीजन बाय टी ठीक है डिवीजन बाय टी इसका अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होता है डिवीजन बाय टी का बेसिकली तो जब भी एफ ऑफ टी में टी का डिवाइड करके आपसे इसका लाप्लास पूछा जाता है तो यहां से आपको बेसिकली पावर का जब आप डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी एस टू दी पावर इन्फिनिटी से लेके एंड टाइम तक एस टू पावर इन्फिनिटी आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है किसका इसके लाप्लास का जो फंक्शन है ना फंक्शन के लाप्लास का और यहाँ पर आ जाएगा डी एस पावर एन इट मीन्स अगर मैं एक बार टी से डिवाइड कर रहा हूं इस फंक्शन को सो इट आई आई हैव टू इंटीग्रेट वन टाइम दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ना ये चीजें यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास में क्या होता भाई अगर मैं एफ ऑफ टी की बात करता हूँ एफ ऑफ टी अगर हमारे पास में साइन टी हो बेसिकली साइन ए टी देन वी हैव द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज द ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए ओके इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे लाइक इट इज द वेरी सिंपल प्रोसेस क्या कर लेंगे भाई यहां जाएगा सॉल्यूशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन लाइक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी अपॉन टी क्या लिख देंगे बाय यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टी बाय यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाई यूजिंग डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म Now, integrate this one like here n is equals to 1, it means this is equals to s to infinity f of s, it means we can write Laplace of f of t and uh, ds. Here f of t is equals to sine of a t. So, s to infinity a upon S square plus a square ds. Yes. Now uh, we can integrate this one and uh, this will be the s to infinity uh, like integration of this 1 upon a. Basically uh, a upon s square plus 1 this equals to a into 1 upon a tan inverse s upon a. Okay. S upon a and uh, s to infinite. Basically it will be the a upon a like tan inverse s upon a is uh, s to infinity and now tan inverse infinite minus tan inverse s over a because i am uh, integrating with respect to s okay so this will be the pi by 2 minus tan inverse s by a and we have the itf formula inverse trigonometry formula says that like 1 by 2 minus tan inverse

e to the power -80 and cot inverse s by a okay now it is the format of first shifting theorem so by using first shifting theorem by using first shifting theorem first shifting theorem says that if you have a format like this e to the power okay e to the power 80 ft Then, आप क्या कर सकते हो टू दावर एफ एस माइनस ए इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसमें जो एस उसको ए से रिप्लेस कर देंगे यानी कि इसके कोफिशियंट से रिप्लेस कर देंगे माइनस वन एस इज इक्वल सॉरी ए इज इक्व टू माइनस वन और आपको एस माइनस ए करना होता तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा एस प्लस वन अपॉन ए एंड दिस इज द आंसर वेरी सिंपल ओके पहले आप उसको अलग सॉल्व कर लेंगे वो हमने पीछे कर लिया क्वेश्चन में दैट इज द कॉट इनवर्स एस बाई ए और फिर उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज कर लेंगे सो दैट इज द कॉट इनवर्स एस बाई एंड 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 इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हेयर ए इज वन लाइक यहाँ पे देखो ए जो था आपके पास में कॉस ऑफ एटी था और यहाँ पे ओनली साइन ए है और यहाँ पे साइन वाला भी ए है ना तो यहाँ पर भी एक एक चीज में थोड़ा सा चेंज करना है वो क्या चेंज करना है यहाँ पे s अपॉन 1 करना है क्योंकि यहाँ पे sin t है नॉट sin 80 हियर sin का no, t का कोफिशिएंट भी 1 है तो आल्सो यहाँ पे ये यह हो जाएगा cot इनवर्स ओके cot इनवर्स s 1 हो जाएगा तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग ओके ये बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो वही बात होगी नकल में भी अकल चाहिए तो हम वहाँ से नकल कर रहे थे टॉपिक कर रहे थे बट उसमें यहाँ पे ऑफिशियंट ए था बट यहाँ पे वन है तो आप उसको एक जगह वन पुट कर दीजिए ओके सो दिस इज दरम आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा सो थैंस फॉर वॉचिंग माई वीडियो की फॉजिंग एम एस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाय